क्या करूं? अच्छा क्या आएगा? प्लस यहाँ पे जब दोनों नेगेटिव साइंस होते हैं तब प्लस बी वाला फॉर्मूला, दिस इज 4 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 5 प्लस 25 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे तो दैट इज 15 Next question number 5. A point R with x coordinate 4 lies on the line segment joining the points P hai 2 minus 3 4 and Q is 8 0 10. Find the coordinates of point R. R ke coordinates nikalne hain jisme uska x coordinate hame 4 given hai, yz hame nahi pata. It lies on the line segment joining the points P and Q. Coordinates of point R nikalne hain. To hum ye maan lenge ki jo आपका पॉइंट आर है दैट डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो के रेशियो 1, उसमें आपको एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है 4, तो जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला उसको आप 4 के इक्वेट करके के की वैल्यू निकाल लोगे और बाकी दो में पुट करके आपके पास वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. सो बता रही हूँ, पी और क्यू हमें दो पॉइंट्स गिवन है. पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2 माइनस 3 4 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है
8, 0, 10। अब वो कह रहा है कि हमें आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और उसमें जो आर का एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज गिवन टू बी 4, ठीक है, और इट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि आर यहाँ पे लाए कर रहे, तो ये इसको के रेशो 1 में डिवाइड करेगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें 4 गिवन है, वाई और जेड हमें नहीं पता, ये हमने निकाला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लोगे आप, आएगा यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, पहले सारा यहाँ लिख लोगे, लेट आर डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो के रेशियो 1, फोर कॉमा वाई कॉमा जेड, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। एट के प्लस टू अपॉन के प्लस 1 देन 0 के माइनस 3 अपॉन के प्लस 1 एंड देन 10 के प्लस 4 अपॉन के प्लस 1। अब r के जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट द x कोऑर्डिनेट इज 4, यहां से आप k निकाल लो, के आ गया 1/2। उन्होंने रेशियो नहीं पूछी तो वी नीड नॉट मेंशन दिस कि आर डिवाइड्स इट इन द रेशियो के 1:2। अब हमें सिंपली वाई और जेड निकालने, दैट इज माइनस 3 अपॉन के प्लस 1, के को हाफ पुट कर लो। हाँ जी क्या कह रहे हो, हाँ जी, so this is minus 3 upon 3/2 so this is minus 2। इसके बाद z coordinate 10 k plus 4 upon k plus 1, k को again half put कर दो, नाइन डिवाइडेड बाय 3/2 6 है। क्लियर, सबसे पहले आपने रेशियो मान लेनी है के रेशियो 1, देन सेक्शन फॉर्मूला यूज करके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने और फिर कोऑर्डिनेट्स के आ जाएंगे आपके, कंपेयर करोगे एक्स कोऑर्डिनेट आपको 4 गिवन है। हाँ जी, माइनस 2 आ रहा है, नहीं माइनस 2। हाँ जी कोई डाउट है, हाँ जी क्या नहीं आ रहा, हाफ के को हाफ पुट किए, हाँ ठीक है, अब 9 डिवाइडेड बाय 3/2, हाँ जी आ गया, प्रीवियस वाली वैल्यू आ गई। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, दैट इज इफ ए एंड बी बी द पॉइंट्स 3, 4, 5 एंड -1, 3, -7 respectively, find the equation of the set of points such that
पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट। इट मीन्स अब हमें एक पॉइंट पी ऐसा लेना पड़ेगा जो एक सेट ऑफ पॉइंट्स को डिफाइन कर रहा है इन सच अ वे दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो क्योंकि सेट ऑफ पॉइंट्स को वे डिफाइन कर रहा है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी हम मान लेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है, वेरिएबल्स ले लेंगे एक्स वाई जेड की डिफरेंट वैल्यूज डलती जाएंगे इसमें, तो अकॉर्डिंगली यू विल गेट द इक्वेशन। हमें सिर्फ इक्वेशन बतानी है तो हम जनरल फॉर्म में यानी कि एक्स वाई जेड की फॉर्म में इक्वेशन बताएंगे। सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी एक्स वाई जेड, let the coordinates of p a हमें गिवन है और b हमें गिवन है, a is 3 4 5 and b is -1 3 -7। अब according to question set of points जो है that should lie on this। अब pa square plus pb square, pa square distance लो, pb square distance लो and then simplify। so this is x minus 3 whole square y minus 4 whole square z माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस अब पी बी स्क्वायर लेंगे x प्लस 1 y माइनस 3 होल स्क्वायर z प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर। a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। अब x वाला लो -6x एंड प्लस 2x, देन y वाला ले लो -8y -6y एंड देन z वाला -10z प्लस 14z। अब कॉन्स्टेंट्स ले लो प्लस 9 प्लस 16 25 प्लस 25 50 प्लस 9 59 एंड 49 108 हो गया। k स्क्वायर को भी इधर ले आओ, दिस इज इक्वल टू 0। अगर डिवाइड बाय 2 करोगे तो के स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, अदरवाइज यू कैन लीव अप टू दिस पॉइंट आल्सो। हां जी 59 बना था, अच्छा मैंने ये 1 स्किप कर दिया, यस इट्स 109। क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। इसी चैप्टर में सेम जैसे कल हमने एक मीडियन वाला क्वेश्चन किया था, सेम वे में आपका जो है परपेंडिकुलर वाला भी आ सकता है, बट उसमें जो परपेंडिकुलर के फुट वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी गिवन टू यू। हां जी कौन से वाला? हाँ हमें ये कोऑर्डिनेट्स गिवन थे ना, तो हमने मीडियंस निकालने थे, मीडियन का लेंथ निकालनी थी। सेम वे में परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना आ सकता है बट अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी कोऑर्डिनेट्स की आपसे, ठीक है, तो वो आपके उस टाइप के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बनेंगे। या फाइंड आउट करना कि ट्राइंगल आपका आइसोसेलस है, स्केलिन है या इक्विलेटरल है, डिपेंडिंग ऑन कि आप लेंथ कंपेयर कर लोगे। देन जो क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स है, स्क्वायर है, रोम्बस है,
पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, वो आपको फाइंड आउट करना है। वो कंडीशंस बताएं सेम टेंथ वाली है। पूरब रोम्बस कब होगा? कोऑर्डिनेट्स गिवन है मुझे फोर, ए बी सी डी। हाउ टू चेक वेदर इट इज अ रोम्बस और नॉट? रोम्बस के लिए क्या प्रॉपर्टी थी? ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स नॉट इक्वल। ठीक है, अगर डायगनल्स इक्वल आ जाते हैं क्या हो गया? डायगनल्स अगर इक्वल हो जाते हैं विद ऑल साइड्स देन इट बिकम्स अ स्क्वायर। स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस। ठीक है, ऐसे ही पैरेललोग्राम में इफ ऑल द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गए तो पैरेललोग्राम है, डायगनल्स अनइक्वल है तो पैरेललोग्राम है, इक्वल हो गया तो रेक्टेंगल बन जाए। ठीक है, ये चार आपकी हो गई। ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, और अगर उसी में वन पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल आ रहा है एंड सेकेंड पेयर आपका अनइक्वल आ रहा है देन क्या होगा? वो दैट इज एन आइसोसेलस ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के केस में वन पेयर पैरेलल आपको गिवन होगा क्योंकि सिंपली इक्वल से आप उसको पैरेलल नहीं शो कर सकते। ठीक है, तो वो कंडीशन अगर ट्रेपीजियम की बनती है तो दैट विल बी गिवन टू यू। सो विद दिस योर दिस चैप्टर इज ओवर। अभी है टाइम बेटा, 5 मिनट्स आर स्टिल देयर। जस्ट एक इंट्रो दूंगी उसकी, बाकी कल डिटेल में करेंगे, आज सिर्फ मीनिंग समझाऊंगी मैं उसका।